हेलो स्टूडेंट, मैं आपको केमिस्ट्री का जो रिएक्शन को लेके फोबिया है से रिमूव कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको हेलो एल्केन्स की रिएक्शन बता रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखिए, हेलो एल्केन्स तीन टाइप के रिएक्शन प्रेफर करता है। फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होती है उन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड होती है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। और हर एक रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है। थर्ड देखिए, रिएक्शन विद मेटल्स। तो जो रिएक्शंस आपको देख के डर लगता है कि हम कैसे याद करेंगे, उनके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है और उनसे आप उन रिएक्शंस को इजीली लर्न कर सकते हो। तो पहले मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक, पहले थोड़ा सा इसे देख लीजिए। न्यूक्लियो जो रिलेटेड है वो न्यूक्लियस से है, और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव। और फिलिक का मीन्स होता है लवर ऑफ, मीन्स ये उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो पॉजिटिव होती है। न्यूक्लियोफाइल्स ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, न्यूक्लियोफाइल खुद से नेगेटिव होगा। तो इसके लिए इस टर्म को एलिब्रेट कर लीजिए। एन स्टैंड कर रहा है नेगेटिव, मींस न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिच। तो पहला कॉन्सेप्ट था न्यूक्लियोफाइल का। सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट देखिए, सब्स्टिट्यूशन में सेम चार्ज अपनी प्लेस छोड़ते हैं। तो अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो नेगेटिव चार्ज जो है जिससे भी रिप्लेस होगा वो खुद से नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए, आप बहुत सारी रिएक्शन एक ही लाइन में सीख जाओगे। बस आपको सिंपल सा ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है और यहाँ पर हम हेलो एल्केन ले रहे हैं। तो हेलो एल्केन में यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा होगा और यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसीज है जो किसी भी चीज से सेटिस्फाई होंगी। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, जो हेलो एल्केन में हेलोजन ग्रुप लगा होता है, आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस। ये हेलोजन ग्रुप जो है, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है। तो इन सब के लिए कहा जाता है दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो बॉन्ड है इसे एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेक्स बॉन्ड में ये क्या करेगा, शेयर पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी कार्बन पॉजिटिव होता है तो इसे प्रोनाउंस किया जाता है कार्बो कैटायन, और एक और वर्ड बोलते हैं कार्बोनियम आयन। तो ये थोड़े से वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम कम टू द रिएक्शन, फिर से रिएक्शन पर आइए। तो देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये नेगेटिव है और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव है। तो सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जो कार्बन का प्लेस है वो एज इट इज रहेगा, जो एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा इस न्यूक्लियोफाइल से, और ये जो हेलोजन ग्रुप है वो बाहर आ जाएगा। तो देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर मान लीजिए आप RX की रिएक्शन NaOH के साथ कर रहे हो, तो अब यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए हमें ये रिएक्शन याद नहीं है, तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन में X नेगेटिव है हेलोजन ग्रुप और OH नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए सिंपल सा आपका अल्कोहल बनेगा और NaX बन जाएगा। एक और रिएक्शन देखिए, अगर हम RX की रिएक्शन H2O के संग करा रहे हैं, तो आप देखिए H2O को अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको पता है H+ एंड OH-। तो देखिए इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर चलिए, तो यहाँ फिर से आपके अल्कोहल्स बन जाएंगे, प्लस HX होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम KCN के संग रिएक्शन करा रहे हैं RX की, तो यहाँ देखिए RCN बनेगा प्लस KX बन जाएगा। इस रिएक्शन में एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा,
एक्सेप्शन है, अगर आप AGCN के संग रिएक्शन कराते हो RX की, तो यहाँ पे फॉर्मेट तो वही है लेकिन जो कंपाउंड बनता है वो आइसोसाइनाइड्स होते हैं और AGX बनता है, दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड्स। और ऊपर जो मैंने आपको बना के दिया ये साइनाइड्स हैं। तो नेक्स्ट में मैं आपको कुछ पार्ट्स को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है। तो सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है, सिंपल सा जो ये फॉर्मूला है, बस ये ध्यान रखिए कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, अटैकिंग रिएजेंट में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और वो हैलोजन को किस फॉर्मेट में रिप्लेस कर रहा है। तो आप पूरा का पूरा एक फॉर्मेट जो है रिएक्शंस का जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आप चाहो तो NCERT का पेज नंबर 292 पे जो टेबल जनरेट की हुई है उसे देख सकते हैं। और अब आपको रिएक्शन याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने इस टॉपिक को मैक्सिमम पॉसिबल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में लिखिए, शेयर कीजिए, व्यूज बढ़ाइए, इससे आपको उन रिएक्शंस को याद करने में आसानी होगी जो केमिस्ट्री के पेपर में आ रही है, जो अब तक आपके लिए फोबिया है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है और लास्ट ईयर के पेपर में कंसेप्चुअल में ऑर्गेनिक बहुत आया है। तो हैव कॉन्फिडेंस, डू फेवर।